क्या आप इस रहस्य को सुलझा सकते हैं? रीटा पर हत्या का आरोप सिद्ध हो जाता है, रीटा को जेल भेजा जाता है। रीटा इंस्पेक्टर अर्जुन को कॉल करके बताती है कि उसको बताया गया है कि आज उसका मर्डर हो जाएगा। जब तक इंस्पेक्टर अर्जुन वहां पहुंचते हैं, रीटा का मर्डर हो चुका होता है। सबसे पूछताछ करने पर पता चलता है कि सबसे पहले रानी नहाई, फिर रीटा और फिर मीना। इंस्पेक्टर अर्जुन को पता चलता है कि रीटा सुबह से केवल दो जगह गई है, पहला टॉयलेट, दूसरा बाथरूम में नहाने। टॉयलेट में एक पॉट है और पानी का डिब्बा, बस, और कंक्रीट की दीवारें। बाथरूम में भी एक गरम शावर है, एक साबुन और एक ही शीशा, और बस कंक्रीट की दीवारें। क्या आप बता सकते हैं कि कातिल ने अपना संदेश कहां लिखा था? कोशिश करो। पता है, ऐसी पहेलियां सुलझाने से दिमाग तेज होता है। सोचो और सोचो और सोचो, सोचो और सोचो। बाथरूम के शीशे पर साबुन के साथ, क्योंकि जब पानी की भाप उठती है तो साबुन द्वारा लिखी जगह पर पानी नहीं जमता। अब अर्जुन शीशे को देखता है तो सब मिटा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि धमकी किसने लिखी? कोशिश करो, सोचो और सोचो। धमकी रानी ने लिखी और मीना ने उसे मिटा दिया, और फिर उन दोनों ने मिलकर रीटा की हत्या कर दी। कुछ ऐसे ही होते हैं सुराग, जिनकी मदद से पुलिस मुजरिमों को पकड़ लेती है। क्या आप ऐसी ही रहस्यमय घटनाओं और पहेलियों को सुलझाना चाहते हैं? तो इंतजार कीजिए हमारी अगली कड़ी का, और तुरंत हमें सब्सक्राइब करें।